दोस्तों बिग बॉस OTT चूके लाइव फिर मैं इस वक्त घर के अंदर आपको बता दूं कि सभी घर वाले ऑलमोस्ट यहां पे सो चुके हैं और यहां पे आधी रात को आपको बता दूं कि यहां पे अभिषेक बेहद ही इमोशनल नजर आया और क्या कुछ हुआ उसके बाद बताऊं पूरी अपडेट। दोस्तों अगर आप भी अभिषेक के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चल सके कितने अभिषेक के सपोर्टर्स जो उनको सपोर्ट करते हैं और उनके दुख भरे टाइम में उनके साथ हैं, हमेशा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं। दोस्तों वीडियो को दबा के लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आप सभी को कि आपको अभिषेक मलानी यानी कि फुकरा इंसान की सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी लगती है, कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों घर के अंदर कहीं ना कहीं अभिषेक को जिस तरह से वीकेंड के वार पे ट्रीट किया गया वो थोड़ा सा अजीब जरूर लगा, क्योंकि अभिषेक की उतनी गलती नहीं थी और अगर अभिषेक की गलती भी थी तो वहाँ पे अपोजिट साइड से भी गलती बेबी का की थी, लेकिन उस पर उतना चर्चा नहीं हुआ, जिसके बाद अभिषेक थोड़े से दुखी थे और उनको एक बात का और प्रॉब्लम था कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते ज़्यादा, जब उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तभी कोई प्रॉब्लम होगी नेचुरली, लेकिन वो ऐसे चिल्लाते नहीं रह सकते। इन सभी बातों के बाद वो अपने घर को भी मिस करते हुए काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे थे और उसके बाद नॉमिनेशन टास्क में जिस तरह से यहाँ पे जिया शंकर का आउटबर्स्ट हुआ उसके बाद वही बातों को सोच सोच के यहाँ पे अभिषेक जिया शंकर के ही पास बैठ करके जब ऑलमोस्ट घर वाले सो गए थे तो यहाँ पे उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे साफ साफ, जब वो अपने घर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से उनका बिल्कुल भी इस तरह से नहीं रहता है घर के अंदर, वो हमेशा हंसते कूदते रहते हैं बट यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऊपर वाली चीज़ें हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। जिसके बाद यहाँ पर जिया ने उनको चुप कराते हुए बोला कि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना है और कुछ पर्सनैलिटी डेवलप करनी है जो कि हमारे लिए ही पॉजिटिव होगा। जिसके बाद अभिषेक चुप हुए और उन्होंने भी कुछ बातें जिया को बताई जो मैं आपको जल्द बताऊँगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना।